हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा वीडियो के थंबनेल से कि आज हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम 2020। जी हाँ दोस्तों, इसका पेपर आज कंडक्ट हुआ था। हालांकि बहुत से सेंटर्स में कैंसिल भी हो गया है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे हुआ है आखिरकार पेपर कैसा रहा और पेपर में कितना अटेम्प्ट रहा, गोल्ड अटेम्प्ट क्या रहा, फ्रेंड्स हम इस चीज को देखने वाले हैं। आपने कितने स्कोर किया कि आप सेव हैं, आपका सिलेक्शन डन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, हम ऐसा भी बातें देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, यदि वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार पेपर का लेवल कैसा रहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि पेपर का लेवल। फ्रेंड्स, मेरी स्टूडेंट से बात हुई, छात्रों से बात हुई, तो दोस्तों पता चला है कि आपके पेपर का लेवल इजी तो बिल्कुल नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर इजी बिल्कुल नहीं रहा। इस बार के पेपर में कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आपका पेपर इस बार माना जा रहा है क्या, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जी हाँ दोस्तों, इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आए। हालांकि जनरल अवेयरनेस में एक दो क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो हम उसको इजी काउंट नहीं करने वाले। ओवरऑल आपका पेपर का लेवल रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर इजी बिल्कुल नहीं रहा। तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार के कट ऑफ को कंपेयर बिल्कुल मत करना, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना रह सकता है आप लोगों का गुड अटेम्प्ट। हाँ तो डिफेंस, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज आखिरकार कितना स्कोर रहना चाहिए तब जाके आप सेफ जोन में है, मतलब कि आपका सिलेक्शन डन है। देन इसके बाद हम ओवरऑल कट ऑफ भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैथ की। तो फ्रेंड्स, यदि आप मैथ सब्जेक्ट में मिनिमम 28 से लेकर 30 के बीच स्कोर बना के आ रहे हो, जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट से बात करने के बाद पता चला है मैक्सिमम कैंडिडेट का तो दोस्तों 20 के लेस है, बट यदि आप 28 से 30 के समथिंग बना के आ रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन है। किससे, मैथ सेक्शन से। बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश में भी करीबन 18 से लेकर 20 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों 18 से लेकर 20 के बीच में, तो आपका अटेम्प्ट बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन 100% डन है। इसी प्रकार से बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या, रीजनिंग। तो दोस्तों, यदि आप रीजनिंग में करीबन मिनिमम 35 से लेकर 36 के समथिंग बना के आ रहे हो, जी हाँ दोस्तों 35 से लेकर 36 के बीच यदि आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट है। आपको भी टेंशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बट एक बात है 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट तो करके आए हो आप 30 या 40, लेकिन आधे से भी ज्यादा आप उसमें गलत करके आए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि स्टूडेंट से बात करने के बाद, हर एक चीज का एनालिसिस करने के बाद, यदि आप 100% एक्यूरेसी के साथ इतना स्कोर गेन कर रहे हो, तो फिर आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैथ का 28 से 30 के बीच, इंग्लिश का 18 से 20 के बीच और रीजनिंग का 35 से 36 के बीच। इसी प्रकार से हम जीए की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने यहां पर भी अटेम्प्ट किया है करीबन मिनिमम दोस्तों 100% एक्यूरेसी 35 से लेकर 36 के बीच, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका यहां पर भी इतना ही अटेम्प्ट है, तो बेशक आप लोगों को टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट है। आपको इससे ज्यादा आपका सेक्शन का कट ऑफ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आप सेक्शन वाइज इतना कवर करके आए हो, तो समझिए कि आपका स्कोर बिल्कुल गुड स्कोर है। तो फ्रेंड्स,
हमने यहाँ पे देखा कि मैथ का कितना रह सकता है, इंग्लिश का यदि आप इतना स्कोर गेन करके आए हो तो हाँ बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग का भी देख लिया और जीए का भी देख लिया। अब बात करते हैं कि साल लास्ट ईयर के कट ऑफ और अभी के कट ऑफ में क्या डिफरेंस रह सकता है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की माने तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इजी बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसी संभावना जता रहे हैं कि हाँ लास्ट ईयर से कम जाएगा कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर से कम जाएगा कट ऑफ, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। बट डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि पेपर के साथ साथ लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, कंपटीशन का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, तो फ्रेंड्स हम कम जाने की संभावना तो नहीं जता सकते। हाँ समान जाए, थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, बट लास्ट ईयर की अपेक्षा कम कट ऑफ जाए ये तो मुमकिन नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल आप कितना अटेम्प्ट करके आए हो तो आपका स्कोर गुड स्कोर माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार ओवरऑल आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा आपका जो मैथ था 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इसी प्रकार से दोस्तों जो हो गया आपका मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी या इंग्लिश था 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्या आता है रीजनिंग, ये कितने का था दोस्तों 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इसी प्रकार से बात करते हैं डियर फ्रेंड्स लास्ट जीए, ये कितने का था 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों लास्ट है आपका जीए 50 क्वेश्चन और आपका 50 मार्क्स। तो ओवरऑल बात होती है यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, तो दोस्तों बात होती है आपके 200 नंबर की। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आखिरकार ओवरऑल आपका 200 में से कितना स्कोर आ रहा है कि आप सेफ जोन में चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन डन है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर गेन किया है दोस्तों ओवरऑल कितना 95 से लेकर कहां तक, जी हाँ दोस्तों यदि आप 95 से लेकर 115 के बीच यदि आपका स्कोर आ रहा है तो दोस्तों आपका अटेम्प्ट बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होने वाला है। क्योंकि रीजन आपने देख ही लिए हैं इस बार का पेपर इजी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सिर्फ जनरल अवेयरनेस में एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े इजी देखने को मिले, बाकी आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं जो कि आपके पल्ले नहीं पड़े, नए क्वेश्चन थे तो वो आपने ही नहीं सभी स्टूडेंट्स ने छोड़े होंगे। तो फ्रेंड्स आपके पेपर का लेवल बहुत ही इस बार आप लोगों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखा। तो दोस्तों यह बात हुई कि यदि आपने आउट ऑफ 200 में से 95 से लेकर 115 के समथिंग स्कोर गेन किया है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है, आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट है। तो डियर फ्रेंड्स ओके यही सब बताना था जो कि स्टूडेंट्स से बात करने के बाद मैंने आपके समक्ष रखी बातें। यदि आपको वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि हर एक कैंडिडेट के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स आप लोग में से बहुत सों के कमेंट्स देखने को मिले सर आज तो पेपर हुआ ही नहीं तो फिर कहाँ से किसने बोल दिया। तो दोस्तों आपको बता दें आप लोग के सेंटर में यदि कैंसिल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल हो गया है, जी हाँ दोस्तों बहुत से सेंटर में आज पेपर था और कैंडिडेट ने दिया भी है, हालांकि कुछ बहुत से सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां पर पेपर कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों अधिकतर सेंटर्स में आज पेपर हुआ है और मिनिमम सेंटर में आज पेपर कैंसिल हो गया है, तो आप लोग इस वहम में बिल्कुल ना रहें कि आज सभी सेंटर में पेपर कैंसिल हो गया है। और हाँ जी डियर फ्रेंड्स यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बना हुआ है तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं, और आपने कितना स्कोर गेन किया है आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें। जी हाँ फ्रेंड्स कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है सब्जेक्ट वाइज, जी हाँ फ्रेंड्स ओवरऑल सेक्शन वाइज भी करना है और कितना अटेम्प्ट किया है, और आपकी एक्यूरेसी भी बताना है कि आखिरकार आपकी एक्यूरेसी कितनी है।
अभी तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, जब आप घर पहुंच जाएंगे कूल माइंड से जब सोचेंगे तब आपको आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। आप पेपर देके निकलते हैं तो एकदम से कुछ नहीं बता पाते, है ना। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में यह सब चीजें अवश्य करें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।